आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। भूभूमि प्रोग्राम के तहत अराजियों की तकसीम, रियासती वजीर ने मजीद मराहत का तय खुद दिया और कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात की बहबूद में सरगर्म है। उर्दू सहाफियों के मसाइल बेहिसाब मगर एक सुई की राहें मजदूत, एक प्लेटफॉर्म लाजमी। अनकरीब जिले में अहम तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद होगा। सीनियर सहाफी एम ए माजिद का बयान। अडवाणी और दीगर अहम कायदीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया जाए, ता वक्त तस्वीर जज का तबादला नहीं किया जा सकता। सीबीआई फर्द जुर्म आयद करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। योगी ने कहा कि तीन तलाक चीन हरण जैसा है। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर तड़प उठे, कहा कि मुस्लिम खवातीन को इंसाफ मिलना ही चाहिए। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहु के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। वो बिल्कुल नजदीकी हासिल किए हुए हैं, नेमतों वाली जन्नतों में है। बहुत बड़ा ग्रोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से। ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदोरफ्त करेंगे, आंजूरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिसमें ना सर में दर्द हो ना अकल में फितूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के होंगे। सूरतुल वाकिया आयत 11-20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आयमा मसालिक के नज़दीक औरत का अपने शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखना हराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर एक दिन भी रोज़ा न रखे सिवाय रमज़ान के। हदीस मुबारका अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, बाकी दारमी। अब खबरें तफसील से। अराजियों की तकसीम के प्रोग्राम में रियासती वजीर की शिरकत, उन्होंने मुस्तहकीन में अराजियों के पट्टे तकसीम किए और कहा कि हुकूमत की जानिब से मराद भी फराहम होंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के काम अंजाम दे रही है। बिचकुदा में अराजियों की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमे रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए गुरबा में अराजियों के पट्टे जात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अपने किताब में बताया कि बांसवाड़ा और जुगल हल्का जात असम्बली में अब तक 1,33,159 एकड़ अराजी 87,605 अफराद में तकसीम की जा चुकी है, और इससे कबल भी 44 करोड़ की लागत से 1,000 एकड़ अराजी को तकसीम किया गया था। उन्होंने कहा कि इन ज़रई अराजियों के लिए हुकूमत के पास जामा मंसूबा मौजूद है और फसलों की निगहदाश्त और मौसर सैराबी पर नज़र रखने के लिए हर 15,000 एकड़ अराजी पर एक असिस्टेंट इंजीनियर को मुतय्यन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करती आ रही है और अवामी मफाद में ऐसी स्कीमात पर अमलावारी की जा रही है जिसकी हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन दफेदार राजू, कामारेडी कलेक्टर सत्यनारायण भी मौजूद थे। उर्दू सहाफियों का एक अहम इजलास रियासती कायद एम ए माजिद की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सहाफियों के तरबियती प्रोग्राम का मंसूबा बनाया गया और इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए एक इंतजामी कमेटी की तशकील अमल में लाई गई, जिसमें जिले के सरकर्दा सहाफी शामिल है। रियासत तेलंगाना में उर्दू जर्नलिस्ट मसाइल का शिकार है। उर्दू जर्नलिस्टों की बेहैसियती तश्वीशनाक बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि उर्दू जर्नलिस्ट एक मरकजियत और इनफरादियत से महरूम है और इनको दीगर जबानों के सहाफियों के ताउन की जरूरत लाहक होती है और वहाँ पर जानिबदारी की वजह से उर्दू सहाफी हुकूक व इंसाफ से महरूम रहता है। मौजूदा हालत में उर्दू के कई सहाफी किसी न किसी उनवान से एक्रेडिटेशन कार्ड से महरूम है। इसकी वजह यह है कि उर्दू के बेशतर सहाफी
छोटे अखबारात या फिर केबल टीवी से वाबस्ता है। इसके अलावा हेल्थ कार्ड, बस या ट्रेन पास की भी सहूलत इनको हासिल नहीं रहती। रियासती हुकूमत के जियो 239 ने तो उर्दू सहाफ़ी ही नहीं बल्कि दीगर जबानों के सहाफ़ियों की कमर तोड़ डाली है और इस जियो को मनसूख करवाने के लिए जद्दोजहद लाजमी है। ये वो अखबारात है जिनका निज़ामाबाद के सहाफ़ियों ने रियासती जर्नलिस्ट यूनियन के सीनियर कायद MA माजिद की निगरानी में मुनक़िद होने वाले इजलास में निज़ामाबाद के सहाफ़ियों ने किया। इस मौके पर बाद सीनियर सहाफ़ियों ने रियासती सतह पर एक उर्दू सहाफ़ी प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत पर जोर दिया। MA माजिद ने बताया कि वो इस सिलसिले में मुस्बित लाए अमल रखते हैं और इब्तदाई तौर पर वो रियासती सतह पर उर्दू सहाफ़ियों के तालमेल के लिए अजलाई सतह पर सहाफ़ियों के तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद करवा रहे हैं और इस मौके पर ज़िले असास पर एक नुमाइंदा तंजीम तश्कील दी जाएगी। इसी तरह रियासती सतह पर भी उर्दू जर्नलिस्टों की एक मजबूत तंजीम के अहिया का मुस्तकबिल में प्रोग्राम है। इस सिलसिले में तमाम सहाफ़ियों के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि यह तंजीम सिर्फ नुमाइंदा तंजीम नहीं होगी बल्कि एक रियासती सतह का प्रेशर ग्रुप होगा जो सहाफ़ियों के मसाइल की भरपूर नुमाइंदगी करेगा बल्कि इसके लिए ज़रूरत पर पुरअज़्म एहतजाज भी करेगा। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा तौर पर ज़िला निज़ामाबाद के उर्दू सहाफ़ियों के तरबियती इजलास का मामला है और इसके लिए सबको अपनी तवानाइयां सर्फ करनी है। इस सिलसिले में MA माजिद की निगरानी में एक इंतजामिया कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें कन्वीनर की हैसियत से जावेद अली नुमाइंदा सियासत को मुंतखब किया गया जबकि माविन कन्वीनर्स में मुखीद फारूकी नुमाइंदा एतमाद और MA माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा शामिल होंगे। अहमद अली खान को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुंतखब किया गया जबकि अराकिन में मोहम्मद बलीग अहमद नुमाइंदा मुनसिफ, अतीक अहमद खान नुमाइंदा रहनुमाय दक्कन, मोहम्मद अशवाक अहमद खान एडिटर निज़ामाबाद टाइम्स, मोहम्मद असद एडिटर आज का तेलंगाना, मोहम्मद खालिद एडिटर मोमिन टाइम्स, सैयद उस्मान अली एडिटर फिक्रे जमहूर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रौफ आजमी 4 TV, अफजल खान परवाज TV शामिल है जबकि खसूसी मदुइन में सैयद नजीब अली एडवोकेट, साइलू सदर TUWJ, सैयद अब्दुल लतीफ और अली बिन मोहम्मद आरमूर शामिल है। बैरूनी अराकिन में MA माजिद नुमाइंदा TTV कामारेडी, सैयद कौसर नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा कामारेडी, खुर्शीद हुसैन नुमाइंदा सियासत बोधन शामिल है। इस प्रोग्राम में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद गौस, हबीब अली जिलानी ब्यूरो चीफ INN और नईम के अलावा दीगर शामिल थे। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने शख्सी दिलचस्पी व फिकर से इस अहम प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया जबकि दीगर अहम शुरका में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सुमेर अहमद कांग्रेस, अलीम अब्दुल लतीफ, सैयद खैसर माविन रुकन बल्दिया के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी। एक भी उर्दू का साथी को पैसा नहीं है, कितने लोग हमारे पास 9 या 10 एप्लीकेशन थे किसी को भी वहाँ नहीं दिया। और मैं मुबारक करता हूँ हमारे साथी बॉस को, प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, साहब यह गलत हो रहा है। मैं यकीन सजाइश करता हूँ आवाज़ तो दी गई, देखिए ये डर ये मुकम्मल जगह जानबदारी है हमारी यूनियन को अलग होगी सहाबारी को। एक जैसा कि मेरे साथी बता रहे कितने ये जो प्रोग्राम थे यूनियन पार्टी का कारण थी वो कितने यूनियन का हारे हमारे साइड हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर है आपको भी यूनियन से वापस ना है या ना हो, लेकिन जहाँ तक हमारी ब्रदरी का कारण ब्रदरी को लेकर चाहे किसी यूनियन से। और रही बात और एक बात बातें कर देना चाहता हूँ कि हम एक उर्दू के कास्ट को चूँकि जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है उसके कास्ट को हम यूनियन के पैदा में हैं। मैं IGO जिम्मेदार हूँ। कार्बाइड और केमिकल्स में फल पकाने के इल्जाम आयद करते हुए फलों के व्यापारियों को हरासा किया जा रहा है। इन फ्रूट के ताजरीन ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और मुतालबा किया कि इनके लिए स्टोरेज तामीर करवाए जाएं और महकुमे जाती हरासानी से निजात दिलाई जाए। फ्रूट मार्केट के ताजरीन ने आज जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इनसे मुतालबा किया कि महकुमे फूड और हेल्थ की जानिब से की जाने वाली हरासानी से उन्हें निजात दिलाई जाए। फ्रूट मार्केट कमेटी के सदर जैनुद्दीन ने बताया कि वो फ्रूट की 16 साल से तिजारत करते आ रहे हैं और इस कारोबार से सैकड़ों खानदान वाबस्ता है जिनकी रोजी रोटी इसी कारोबार से मुंसलिक है जिसमे किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी भी शामिल है। मौजूदा दौर में फलों को पकाने के लिए गैस के चैम्बर्स या स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन इन फ्रूट के ताजरीन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो फलों को कार्बाइड और दिगर केमिकल के जरिए पकाते हैं और इन इल्जाम के तहत महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से बारहा परेशानियों का शिकार बनाया जा रहा है। सदर कमेटी ने बताया कि फलों को महफूज रखने के लिए स्टोरेज करवाने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन शहर में मौजूदा स्टोरेज यहाँ की जरूरत के लिहाज से इंतहाई छोटे और नाकाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इनके लिए सरकारी कोल्ड स्टोरेज तैयार करवाए जाएं और उसमें जितना ताउन चाहे ये व्यापारी फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ख्वाहिश की कि इनकी जरूरत के लिहाज के मुताबिक स्टोरेज की तामीर तक इनको महकमे जाती हर आसानी से बचाया जाए और हम इनको ये क्या बोल रहे बोले तो हम कोई कार्बन कोई केमिकल से हम ये कोई आइटम हम एक साल के ऊपर से बंद कर दिए नहीं पका रहे, पर फिर भी ये लोग हमको टॉर्चर कर रहे कि तुम इतने गैस से पकाओ तो इतनी गैस से हम पका रहे तो उतना फैसिलिटी हमारे पास निज़ामाबाद में नहीं है। और हमारे को इनको यही बोल रहे कि फूड सेफ्टी वाले बोल रहे कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में दो स्टोर है इथिलीन गैस से पकने वाले, तो दो स्टोर में हम कैसा पकाएंगे? हमको ये हमको उससे कोई बस नहीं हो रहा, इसके वास्ते हमको कोई मोहलत सावर तुम्हारा टाइम दो, गवर्नमेंट से हमारी ये डिमांड है। वरंगल प्लानरी को लेकर तमाम ही अहम कायदीन सरगरम है और मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम देते हुए मालिया जमा कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कपास के थैले उठाए, एमएलए ने बच्चों को पढ़ाया और एमएलसी ने मरीजों का इलाज किया। वरंगल में मुनाकिदा प्लानरी के जिम्मन में मालिया हासिल करने के लिए हर लीडर अपनी सतह पर सरगरम है। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिचकुंदा की कपास की मिल में मजदूरी की और कपास के थैले उठाए और फिर एक जरिए अद्वियात की दुकान पर भी काम किया और 1 लाख रुपए मुआवजा हासिल किया। इस मौके पर इनके हमरा जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, रुकने असम्बली जुगल हनुमान शिंदे भी मौजूद थे। इसी तरह रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता भी खासे मसरूफ रहे। उन्होंने होंडा शोरूम में रिसेप्शनिस्ट की खिदमत अंजाम दी और फिर विज्ञान स्कूल के तलबा के लिए तदरीसी खिदमत अंजाम दी और SSK हॉस्पिटल में भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी और मालिया जमा किया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा कॉर्पोरेटर्स मुरली, सुद्दम लक्ष्मी, विशाली रेड्डी, चांगू भाई, सायराम और दिगर मौजूद थे। रुकन कानून साज कौंसिल भूपत रेड्डी ने भी होप हॉस्पिटल में मरीजों की तशखीस की और अपनी खिदमत के इवज 1 लाख रुपए मुआवजा हासिल किया। इसी तरह उन्होंने एक सर्विस पंप स्टेशन पर भी खिदमत अंजाम देते हुए मालिया जमा किया। निजाम सागर किनाल में डेयरी फार्म के करीब एक नौजवान की नाश पानी में तैरती हुई पाई गई। मुकामी अफराद ने इसकी तल्ला पुलिस को दी। पुलिस ने नाश को निकलवाया और इसकी शनाख्त जानने की कोशिश में लगी है। मुकामी अफराद ने इसको नामालूम बताया है। निजाम सागर किनाल डेयरी फार्म में आज सुबह एक नौजवान की नाश तैरती हुई पाई गयी। मुकामी अफराद ने इसकी तल्ला पुलिस को दी, जिस पर 6 टाउन पुलिस ने पहुँच कर नाश को बाहर निकलवाया और शनाख्त की कोशिश की। मुकामी अफराद ने कहा कि ये नौजवान नामालूम है। इस नाश के दस्तियाब होने की इतला तेजी से फैली और बेशुमार अफराद ने वहां पहुंचकर नाश को देखा मगर कोई इसकी शनाख्त नहीं कर सका। बादिजा पुलिस ने मुकामी अफराद की मौजूदगी में पंचनामा किया और नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया। कयास किया जा रहा है कि इस नौजवान की मौत कल शाम में ही हुई थी मगर अब तक ये वाजे नहीं हो सका कि ये नौजवान तैराकी करते हुए गर्क हुआ है या फिर इसकी मौत की कोई दूसरी वजह है। पुलिस के पास सबसे बड़ा मसला उसकी शनाख्त का है। नाजरीन बगौर इस नौजवान की नाश को देखें और अगर आप इसको जानते हो तो इसकी तल्ला इसके लवाहिकीन के साथ साथ 6 टाउन पुलिस स्टेशन में भी दे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है। नाजरीन आप देखेंगे रियासती कौमी और आलमी मंजरनामा। VIP कल्चर को खत्म करने मरकजी काबीना का अहम फैसला। अब किसी वजीर या आला ओहदेदार की कार पर लाल बत्ती नजर नहीं आएगी। मरकजी हुकूमत ने VIP कल्चर को खत्म करने के मकसद से विजरा और आलाकाम की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने के बंदोबस्त को हुकूमत से खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबिना इजलास में यह फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने बताया कि कोई वजीर या सीनियर ऑफिसर
लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इमरजेंसी खिदमत की गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को नीले रंग की बत्ती इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि लाल बत्ती वाली गाड़ियों के गुजरने से पहले ही पुलिस और सलामती दस्ते सड़कों पर आम लोगों की नकलो हरकत को बंद कर देते हैं और उनके गुजरने के बाद ही आम लोगों को आमदरफ्त की इजाजत हासिल होती है। इस वजह से कई बार शदीद बीमार लोगों को इंतहाई परेशानियों का सामना करना पड़ा। विनय कटियार ने सीबीआई के रोल पर अपने शकूक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतनाजा मस्जिद या मंदिर के ढांचे का इन्हदाम साजिश नहीं था। पूरे मिल को झिझोड़ कर रख देने वाले अयोध्या के 6 दिसंबर 1992 के सानहे के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आ जाए हुक्म के बाद केस के एक अहम मुलजिम और राज्यसभा रुकन विनय कटियार ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई के किरदार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए जेल जाना पड़े तो इनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। विनय कटियार ने टेलीफोन पर यूएनआई से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरा रास्त तबसरे से गुरेज करते हुए सीबीआई के किरदार पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत के फैसले पर उन्होंने हैरत जरूर जाहिर की। इनका कहना था कि अयोध्या का मुतनाजा ढांचा तबाह करने के लिए जब कोई साजिश की ही नहीं गई, तो साजिश का मुकदमा कैसे चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी लीडर ने कहा कि सीबीआई की पहली गलत है। अगरचे जब इनसे पूछा गया कि मरकज में आपकी पार्टी परसर इख्तदार है, सीबीआई किस तरह गलत रवैया इख्तियार कर सकती है, क्या इसमें कोई सियासी साजिश है, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने बरा रास्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। उन्होंने मरकजी वजीर उमा भारती का दिफा करते हुए कहा कि मोहतरमा भारती को मरकजी काबिना से इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में हर हाल में मुतनाजा मुकाम पर खूबसूरत राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए, इसके लिए वो एक नहीं कई बार जेल जाने के लिए तैयार है। इनका कहना था कि सीबीआई ने मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है। इधर मुतनाजा अहदे के फरीक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे आम लोगों में इंसाफ के अमल के तहत यकीन मुस्तहकम होगा। जिलानी ने टेलीफोन पर यूएनआई से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीबीआई अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले चली गई होती तो फैसला और भी जल्दी आ गया होता। इनका कहना था कि मुकदमे पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी, इसलिए चाहकर भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाने में ताखीर क्यों की है, लेकिन अदालत के हुक्म से मुल्क के सेकुलर लोगों को इंसाफ के अमल पर यकीन बढ़ेगा। काबिल जिक्र बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुतनाजा ढांचे के मुनजम करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती समेत 12 रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। जस्टिस पनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन की बेंच ने इस मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की अपील को कबूल करते हुए यह हुक्म दिया है। बेंच की जानिब से जस्टिस नरीमन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील कबूल करते हैं और इस सिलसिले में कुछ हिदायत भी जारी करते हैं। कोर्ट ने राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के खिलाफ फिलहाल इल्जाम तय न करने का हुक्म दिया है। बेंच ने कहा कि कल्याण सिंह गवर्नर के आईनी होदे पर फायज है और जब तक वो इस होदे से हट नहीं जाते इस वक्त तक इनके खिलाफ इल्जाम तय नहीं किए जाएंगे। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के अलावा जिन लीडरों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे इनमें बीजेपी के रुकने पार्लिमान विनय कटियार, सातवीर दम्बरा, सतीश प्रधान और सीआर बंसल भी शामिल हैं। योगी ने 3 तलाक को द्रौपदी का चिन्हन करार दिया तो मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर तड़प उठे और कहा कि मुस्लिम खवातीन को इंसाफ मिलना ही होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक का मौजवाना द्रौपदी के चिन्हन से किया, जिस पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुस्लिम खवातीन को इंसाफ मिलना ही चाहिए और मरकजी हुकूमत इस मामले में बहुत हसास है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की सियासत का नतीजा जल्दी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के गुना में नामानिगारों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने राम मंदिर की तामीर से मुतालिक सवाल पे कहा कि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, लेकिन मंदिर की तामीर होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने रियासत में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के कामों और पॉलिसियों की तारीफ की। वहीं एक और प्रोग्राम में पार्टी कारकुनों को खिताब करते हुए तोमर ने कहा कि दिगर पार्टियां जहां जात पात खानदान जबान और इलाकायत की सियासत करती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कौम के लिए काम करती है। पार्टी की मंजिल इख्तदार ना होकर कहीं ऊपर है। अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में इंतखाबात जीत कर मगरब बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी अपना परचम बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुल्क की तामीर में शराकत है तो उन्हें मानना कहां गलत है, लेकिन कांग्रेस के पेट में यह सोचकर दर्द होता है कि कहीं पार्टी की जमीन खिसक न जाए।
लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती और विजय कटियार के अलावा दिगर पर फौजदारी मुकदमा चलाने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, सीबीआई की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया गया। बाबरी मस्जिद इंतजाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर बीजेपी लीडर लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और ओमा भारती समेत 10 लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस रोहटन निरमन की मुश्तरका बेंच ने इस मामले में राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह को फिलहाल राहत दी है। हालांकि इनसे भी अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा देकर केस में शामिल होने की तवक्को जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 खास बातें, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों पर चलेगा मुजरिमाना साजिश का मुकदमा। पहले 13 लोग थे जिनमें 2 लोगों की मौत वाकई हो चुकी है, जबकि कल्याण सिंह को गवर्नर होने के नाते खुसूसियत दी गई है। सभी पर कार्ड सेवकों के मामले के साथ मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत उज़्मा ने केस को रायबरेली से लखनऊ की स्पेशल कोर्ट को मुंतकिल कर दिया है। खुसूसी अदालत को 2 साल में केस की समाअत मुकम्मल करनी होगी। मामले में खुसूसी अदालत रोजाना समाअत करेगी। केस के मुकदमे की समाअत वहीं से शुरू की जाएगी जहाँ से इसका और जिनका ताल्लुक था। मामले की समाअत मुकम्मल होने तक इससे मुंसलिक जज का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। किसी ठोस वजह के बगैर केस की समाअत मौखर नहीं की जाएगी। लखनऊ के एडिशनल सेशन जज की खुसूसी अदालत 4 हफ्ते में ताजिरातहीन की दफा 120 बी मुजरिमाना साजिश के तहत इल्जाम तय करेगी। मामले में कल्याण सिंह को गवर्नर होने की वजह से ओहदे पर रहने तक छूट दी जाएगी। हालांकि अगर वो इस्तीफा देकर इसमें शामिल हो जाए तो अदालत इसका इस्तकबाल करेगी। मफरूर ताजिर विजय मालिया को बरतानिया में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। हिंदुस्तानी दरख्वास्त पर बरतानिया ने मुकदमा चलाया था। इंडिया के मफरूर ताजिर विजय मालिया को लंदन की अदालत में पेश होने के बाद 6,85,000 पाउंड के अवज जमानत पर छोड़ दिया गया। उन्हें जमेरात को इंडियन हुकाम की जानिब से धोखादही के इल्जाम के तहत मेट्रोपोलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लंदन पुलिस के मुताबिक विजय माल्या को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। इंडिया चाहता है कि उन्हें इंडिया के हवाले कर दिया जाए। इन पर अपनी गैर फाल हो जाने वाली फिजाई कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में माली बेजाबतगियों के इल्जाम हैं। विजय माल्या की क्रिकेट और गैरों की दौड़ में भी खासी दिलचस्पी है। वो बैंकों के 600 मिलियन पाउंड के मकरूज हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उन्होंने किंगफिशर के नाम से बीर के कारोबार से दौलत कमाई, जिसके बाद उन्होंने फार्मूला 1 और एयरलाइंस के कारोबार में भी सरमाया कैरी की। वो F1 टीम फोर्स इंडिया के शरीक मालिक हैं और उसके साथ साथ वो इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी मालिक हैं। विजय माल्या की फिजाई कंपनी 2012 में बंद हो गई थी। 5 साल के लगातार माली खसारे के बाद बैंकों ने मजीद कर्ज देना बंद कर दिया था। गुज़श्ता बरस मार्च में बरतानवी मशरूबात की कंपनी डियागो ने इनका $75 मिलियन का एक चेक रोक दिया था, क्योंकि जिन बैंकों के वो मकरूज थे उन्होंने मुतालबा किया था कि रकम इनके कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल की जाए। गुज़श्ता बरस अप्रैल में इंडिया ने विजय माल्या का पासपोर्ट मनसूख कर दिया था और उससे अगले माह बरतानिया से इनकी हवालगी का मुतालबा किया गया था। अमरीकी वीजे का हसूल अब और मुश्किल हो जाएगा। बिलखसूस भारतीय अवाम को भारी मुश्किलात का सामना करना होगा। अमरीका को बालादस्ती दिलाने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी। अमरीकी सदर ने गैर मुल्की पेशावर अफराद के लिए अमरीकी वीजे का हसूल मजीद मुश्किल बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सबसे पहले अमरीकी कंपनियों से माल खरीदने और अमरीकी कंपनियों को मुलाजिमतें देने की हिदायत दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वीजे के गलत इस्तेमाल से मुतालिक एक फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह गैर मुल्की पेशावर अफराद के लिए मुलाजिमत का वीजा हासिल करने के तरीक़ेकार को मजीद पेचीदा बना दिया गया है। अमरीकी सदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमरीका सबसे पहले का नारा बुलंद किया था और एकदम इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। तहम अभी तक ये वाजह नहीं है कि इस हवाले से कौन कौन सी तब्दीलियां लाई जाएंगी। इस हुक्मनामे में वजारतों को यह हुक्म दिया गया है कि वो वीजे की जांच पड़ताल और तब्दीलियों से मुतालिक अपनी अपनी तजावीज पेश करें। अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत सालाना बुनियादों पर सबसे ज्यादा वीजे भारतीय पेशावर शहरियों को फराहम किए जाते हैं और अंदाजों के मुताबिक भारतीय शहरी इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वीजा प्रोग्राम में तब्दीलियाँ भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और इस जैसी दीगर कंपनियों को मुतासिर कर सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां अमरीकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं और इनके मुश्तरका प्रोग्राम्स के तहत हजारों भारतीय अमरीका में मुलाजिमत करते हैं।
تاہم ابھی تک ان میں سے کسی بھی کمپنی نے میڈیا کے سامنے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ویزا مسئلے کے علاوہ امریکی صدر نے حکومتی اداروں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ضروری سامان کی خریدی اور فروخت میں سب سے پہلے امریکی کمپنیوں کو ہی ترجیح دیں، خاص طور پر امریکی اسٹیل کمپنیوں کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اس اقدام کے تحت ہم دنیا کو یہ طاقتور اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کاریگروں کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اپنی ملازمتوں کو تحفظ فراہم کریں گے اور آخرکار امریکہ کو سب پر مقدم رکھا جائے گا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بھوبھومی پروگرام کے تحت اراضیوں کی تقسیم ریاستی وزیر نے مزید مراعات کا طے خود دیا اور کہا کہ ریاستی حکومت تمام طبقات کی بہبود میں سرگرم ہے۔ اردو صحافیوں کے مسائل بے حساب مگر ایک سوئی کی راہیں مسدود، ایک پلیٹ فارم لازمی۔ عنقریب ضلع میں اہم تربیتی پروگرام منعقد ہوگا۔ سینئر صحافی ایم اے ماجد کا بیان۔ اڈوانی اور دیگر اہم قائدین کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے، تا وقت تصفیہ جج کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سی بی آئی فرد جرم عائد کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ یوگی نے کہا کہ تین طلاق چین ہرن جیسا ہے۔ مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر تڑپ اٹھے، کہا کہ مسلم خواتین کو انصاف ملنا ہی چاہیے۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔